बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं शायद खान अफरीदी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्निकल मार्बल एंड ग्रेनाइट इंडस्ट्री। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरी वीडियोस मार्बल और ग्रेनाइट के ऊपर ही बनी होती है। कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी जो ना मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ जो ना कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँ। तो इस वीडियो में जो ना इंतहाई लाजवाब इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, और वो है वाइट मार्बल के हवाले से। हम चाहते हैं कि वाइट मार्बल लगे और वो ठंडा भी रहे। हर वाइट मार्बल ठंडा नहीं रहता, और उसके लगाने का तरीका क्या होता है वो इस वीडियो में जो है आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आप लोगों के साथ जो है वाइट मार्बल भी दिखा दूं कि कौन सा वाइट मार्बल बेहतरीन होता है और कौन सा वाइट मार्बल ठंडा रहता है। तो इस चैनल में मेरे साथ जुड़े रहें, बहुत इंतहाई लाजवाब इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चाहे आप मार्बल मुझसे लें, किसी से भी लें, व्हाटएवर, कोई इशू नहीं है। लेकिन किस तरह से लेना है, कौन सा मार्बल लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहे, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल का बटन टिंग करके प्रेस करें। तो आ जाइए मेरे साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मैं आपके साथ वाइट मार्बल शेयर करूंगा, और उस वाइट मार्बल के कुछ टेक्निकली पॉइंट जो है आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सा वाइट मार्बल बेहतरीन होता है और किस तरीके से जो है आपने लगाना होता है। अब तो इस वक्त आप देख सकते हैं सुप्रीम ज़ियारत वाइट। अच्छा, इस वाइट मार्बल की जो है ना कंडीशन मैं आपके साथ जो है ना इस तरह शेयर कर देता हूँ कि अगर इस वाइट मार्बल को आप डिफरेंट थिकनेस में लगाएंगे, लेकिन डिफरेंट थिकनेस के साथ जो है ना आपने एक टेक्निकली वे पे जो है ना एक चीज़ करनी है इसके साथ। अब देखो, जैसे ये वाइट मार्बल है और एक ये वाइट मार्बल है, फिर इस तरह सुपर वाइट ग्रे है, चीता वाइट ग्रे है, सुप्रीम ज़ियारत वाइट जैसे शो कर दिया मैंने, और सुपर ज़ियारत वाइट है। अब एक चीज़ और मैं आपके साथ जो है शेयर करने लगा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहे। तो आप इस वाइट मार्बल की थिकनेस देख सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है वाइट मार्बल को ठंडा या ठंडक का एहसास लाने में, और आपको जो महसूस होगा कि ठंडा किस तरह रहता है, तो सबसे ज़्यादा जो मैटर की जाती है वो थिकनेस मैटर की जाती है। अब जैसे ये है पौना, पौना यानी कि 6 सूत या 7 सूत्र इसको आप मेंशन कर सकते हैं, 20 mm बोल सकते हैं। लेकिन इसे एक दूसरा मार्बल आता है जिसकी थिकनेस जो है ना तकरीबन जो है ना 9 सूत होती है। 9 सूत यानी आप 25 mm जो है ना वहाँ तक लेके जा सकते हैं। अब उस मार्बल की जो है ना कंडीशन इसलिए जो है ना ठंडी रहती है कि अगर उसको आप ज़मीन के ऊपर जो है ना लगाएंगे, फ़र्श के ऊपर, ठीक है। तो फ़र्श के ऊपर लगाने से इसका जो है ना मेन मकसद ये होता है, अगर जैसे फर्श पर मैंने इसको फ़र्श के ऊपर लगा दिया है, अब लगाने से पहले जो है ना आपने कंक्रीट कर देनी है। कंक्रीट करने के साथ जो है ना आपने बजरी पहले बिछा देनी है। बजरी बिछाने के बाद जो है ना फिर आपने इसको कच्चा कर देना है। लेकिन आपने इस चीज़ को जो है ना नोट कर देना है कि वाइट मार्बल अगर मोटे वाला होगा, यानी कि थिकनेस में जो है ना अच्छा होगा, तो तब जाके जो है ना ये फिर ठंडा पड़ता है। अच्छा, बजरी लगाने के बाद जो है ना मैं आप लोग के साथ कुछ और चीज़ें जो है ना शेयर करता हूँ, वेट कीजिएगा। तो बजरी लगाने के बाद जो है ना आपने इस तरह की चीज़ कर देने के, एक तो आपने बड़े स्लेब में लेना है, ठीक है। बड़े स्लेब से ये मकसद होगा, बड़े स्लेब अगर आप ना भी लें तो इसकी लंबाई चौड़ाई जो है ना थोड़ी सी जो है ना ज़्यादा होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा और भी नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। और नीचे का जो ज़मीन का सतह है, जैसे मैंने आपके साथ शो कर दिया था कि पहले आपने रेत की बजरी बिछा देनी है, बजरी के बाद जो है ना आपने उसके ऊपर कच्चा कर देना है, और कच्चा करने के बाद जो है ना आपने मार्बल की लेइंग कर देनी है। लेइंग के साथ जो है ना आपने वाइट सीमेंट का यूज़ कर देना है, और वाइट सीमेंट के बाद जो है ना आपने मार्बल को लगा देना है। तो तब जाके जो है ना ये मार्बल ठंडा रहता है, और थिकनेस का आपने ज़्यादा ख्याल रखना है। और मार्बल कौन सा हो, जैसे कि मैंने आपके साथ जो है ना शो कर दिया था पहले ही जो है ना, ये सुप्रीम ज़ियारत वाइट, इसकी बेहतरीन क्वालिटी होनी चाहिए, बेहतरीन कंडीशन होनी चाहिए। जिस तरह का आपको इस मार्बल में नज़र आ रहा है, हल्का फुल्का कहीं ना कहीं जो है ना ग्रे शेडर आ रहे। अब साइड पे जो है ना मक्का मुकरमा की एक तस्वीर देख रहे हो जिसमें ये वाइट मार्बल लगा हुआ है। अलबत्ता वो मार्बल जो है ना आपको यूनान से मिला हुआ है, यूनान से, और लेकिन ये पाकिस्तानी मार्बल है, ज़ियारत वाइट बहुत बेहतरीन जाना जाता है, और इसको जो है ना आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जो है ना आपके साथ और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, मेरे साथ रहिए। तो जैसे कि मैंने आपके साथ जो है ना एक वाइट मार्बल की तस्वीर भी दिखा दी, और फ़र्श के ऊपर लेइंग करने के बाद उसकी थिकनेस के हवाले से भी बता दिया। थिकनेस जो है ना एक 4 सूत की होती है, जिसको हम 9-10 mm कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ना पौना होता है, जिसको हम 20-22 mm तक जो है ना जाना जाता है। फिर इसके बाद 28-27 mm में जो है ना जो 9 सूत में होता है माल, वो काबिल कदर और बेहतरीन होता है। ज़ियारत वाइट में जो है ना आपने इस चीज़ को नोट कर देना है कि मोटे वाला मार्बल लगाना है अगर आपने इसको ठंडा रखना है फ़र्श के ऊपर, वट एवर
तपती धूप क्यों ना हो, रेगिस्तान क्यों ना हो, रेगिस्तान के ऊपर जो है ना आपने इस मतलब मार्बल भी लगाना हो, उसको जो है ना आपने लेंग करके साफ़ सुथरा करके बना के उसके ऊपर आपने बजरी बिछा देनी है, बजरी के बजाय ना कच्चा कर देना, कच्चे के साथ जो है ना आपने वाइट सीमेंट का यूज़ कर देना है, फिर उसके बाद जो है ना आपने मार्बल लेंग कर दे, फिर देखना अगर ठंडा ना हुआ तो जो है ना फिर आप मुझे आप कमेंट में जो है ना बता सकते हैं, वट एवर जो भी है। तो इतनी लाजवाब इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए जो है थोड़ा सा जो है ना अब रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिएगा और बेल के बटन प्रेस करें। तो ज़्यारत वाइट के अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जजाकल्ला खैर, थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।